नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल हमने जो एक वीडियो डाला था शत्रु नाशक धूमावती का मंत्र, और वो वीडियो आप सभी लोगों ने काफी पसंद किया, क्योंकि मित्रों जब सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचेगी तो उसे हर कोई पसंद करेगा। और धूमावती माता के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया कि यह उच्चाटन की एक ऐसी प्रचंड देवी है, जो साधक इसे एक बार सिद्ध कर लेता है वो जीवन भर अपने शत्रुओं से परेशान नहीं रह सकता। मेरे प्यारे मित्रों, जब मैं उस वीडियो का कमेंट चेक कर रहा था तो हमारे तमाम साधकों ने लिखा कि गुरुजी इस धूमावती माता की साधना बताइए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस धूमावती माता की साधना करना चाहते हैं तो मैं आज की इस वीडियो में इस धूमावती माता की एक शॉर्टकट विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आप एक बार में इसे सिद्ध कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन में। यह एक दिन की साधना आपके जीवन को बदल के रख देगी। आप कितने भी अपने शत्रुओं से परेशान हों, जीवन भर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े रहें, तब भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जी हां मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, इस धूमावती माता की साधना किसी भी अमावस्या के दिन की जा सकती है। अमावस्या की रात्रि को 11 बजे यह साधना की जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझ लें। अगर आप अपने शत्रुओं से वाकई में ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो यह धूमावती माता आपके शत्रुओं को गिन गिन करके मारेगी। यह धूमावती माता के बारे में आप नहीं समझते होंगे मित्रों, जिस वक्त देवी सती अपने पिता के यहां पूजा अनुष्ठान में बिना बुलाए गई थी, शंकर भगवान भी पीछे पीछे गए थे, तो जब भगवान शंकर का और देवी का उनके मां बाप ने अपमान किया तो वह उसी पूजा के हवन कुंड में कूद करके उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मेरे प्यारे मित्रों, तो उसी देवी के शरीर से जल करके जो धुआं निकला और उसी धुएं में यह धूमावती माता प्रकट हुई। ये वही माता है। इस माता का स्वभाव जो है क्रोधित है, क्योंकि ये शत्रुओं को हनन करने के लिए एक ऐसी देवी बन गई कि जो भी शत्रुओं से परेशान रहते हैं उनका बैंड बजा के रख देती है। मेरे प्यारे मित्रों, वही धूमावती माता आज साधकों के बीच में इस प्रकार से दर्शन देती है जैसे कि किसी देवी देवता के दर्शन नहीं हुए होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस साधना को तन मन धन से एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो ये धूमावती माता जीवन भर आपका साथ देती है। इसकी साधना करने के लिए मैंने आपको दिन बता ही दिया कि अमावस्या की रात्रि को 11 बजे इस साधना को कर सकते हैं। साधना करने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी उसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। मेरे प्यारे मित्रों, इस साधना में सबसे पहले एक चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। इस साधना को आप जंगल में खुले आसमान के नीचे या शमशान में या किसी एकांत कमरे में इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आज के समय में बाहर जाने के लिए लोग डरते हैं। जो भी साधक इस साधना को बंद कमरे में कर सकते हैं तो इस साधना को एक बार करिएगा। पूजा कक्ष में आप एक चौकी स्थापित करिए। चौकी पर पीली सरसों बिछा दीजिए और उस चौकी पर आपको 7 दीपक जलाने हैं, वो भी चमेली के तेल के, एक एक बाती वाले। 6 दीपक तो गोलाई के रूप में रखिए और एक बड़ा दीपक बीच में रखिए। सामने धूमावती माता का चित्र यानी तस्वीर रखिए। अब आपको सफेद कपड़े के आसन पर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। इस धूमावती माता के भोग में आप सूखी रोटी रखेंगे। सूखी रोटी पर तेल चुपड़कर सरसों का और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना और यह धूमावती माता के भोग में रख देना। और सूखे फल जैसे छुआरा है और भी तमाम ऐसे फल हैं जो सूखे आते हैं, वो मेवा या फल आप उसके भोग में रख सकते हैं।
अब पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको सफेद कपड़े के आसन पर बैठ जाना है और नर मुंडों की माला से आपको इस धूमावती माता के मंत्र का मात्र 31 माला जाप करनी है, वो भी सिर्फ अमावस्या की एक ही रात्रि को। एक ही रात्रि में यह धूमावती माता सिद्ध हो जाती है और आपको दर्शन भी देती है। मित्रों, नर मुंडों की माला आपको मार्केट में अच्छी तरह से मिल जाएगी। वो छोटे छोटे दाने होते हैं नर मुंडों के, और उसे आप गले में धारण करते भी देखे होंगे लोग। तो उस माला को आप ले आइए। उस नर मुंडों की माला से आपको एक मंत्र का जाप करना है और वो मंत्र है ओम धूम 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 धूमावती प्रकट हूं स्वाहा। इस मंत्र का आपको मात्र 31 माला अमावस्या की रात्रि को जाप करना है और एक ही रात्रि में यह धूमावती माता सिद्ध हो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, जाप करते करते आप देखेंगे जो आपने 7 दीपकों के अंदर जो एक बड़ा दीपक जो रखा है उस दीपक की लौ में और ये धूमावती माता प्रकट हो जाएगी। इतने छोटे आकार में आपको साफ साफ दिखाई देगी और धूमावती माता आपसे उसी दीपक की लौ से आपसे बात करेगी और आपको वरदान देगी, आपको आशीर्वाद देगी। आपको सिर्फ माता के स्वागत के लिए सफेद पुष्पों की माला रखनी है, मदार के फूल सफेद अपने उसी पूजा कक्ष में डाल दें जो कि मां के स्वागत के लिए हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस साधना को सुहागन स्त्रियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धूमावती माता का जो दृश्य दिखाया गया है वो एक विधवा स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसे सुहागन स्त्रियां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है या महिलाएं वो कर सकती हैं जिनके पति नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस साधना को एक बार तन मन धन से करेंगे तो मां धूमावती माता आपको दर्शन देगी और आपके कष्टों का निवारण करेगी। और इस साधना की एक और खासियत है, जो इस साधना को कर लेता है उसकी आंखों में सम्मोहन शक्ति समा जाती है। वो जिस व्यक्ति के तरफ देखेगा वही उसके तरफ आकर्षित होता जाएगा। यह जितनी क्रोधित है और उतनी ही दयावान भी है। मेरे प्यारे मित्रों, तो इस साधना में 31 माला का ही जाप करना है और जैसे ही आप 31 माला को संपन्न करेंगे तो जैसे ही लौ में और धूमावती माता आपको दर्शन देगी वैसे ही उस पुष्पों की माला को उठा करके और उसी दीपक के चारों तरफ उसे डाल देंगे, यानी मां के गले में अर्पित कर देंगे। मां तो दीपक की लौ में है, उसके गले में वो माला नहीं जाएगी, लेकिन वो दीपक के चारों तरफ डाल देना। तो मित्रों, मां धूमावती आपसे इतनी खुश होगी कि आपके शत्रुओं को गिन गिन करके मारेगी। अगर आपके शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं तो आपके शत्रुओं को गिन गिन के मारेगी। यह इतनी प्रचंड साधना है, इस साधना को एक बार करिएगा और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। तो मैं आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।